भारतीय दंड संहिता में अध्याय 3 के अंतर्गत आज हम धारा 53 के बारे में बात करने वाले हैं। धारा 53 में दंडों का उल्लेख किया गया है। भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराधों में किस प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं, उनका उल्लेख सेक्शन 53 में किया गया है। सेक्शन 53 मुख्य रूप से यदि हम देखें तो 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख करता है। हालांकि कुल मिलाकर के मूल दंड संहिता में 6 प्रकार के दंड थे, लेकिन जो तीसरा दंड था उसको जिसको हम लोग कहते थे देश से निकाला दिया जाना, या फिर उसको कहते थे काले पानी की सज़ा, उसको बाद में संशोधन करके समाप्त कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के अब 5 प्रकार के दंड हैं। मूल दंड संहिता में 6 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया था। तो कौन कौन से दंड हैं जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिए जा सकते हैं? तो पहला है मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा निरस्त हो गया है, चौथा है कारावास जो दो भांति का हो सकता है, अर्थात पहला कौन सा सश्रम यानी कि कठोर श्रम के साथ और दूसरा सादा, पांचवा है संपत्ति का समापहरण और छठा है जुर्माना। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 प्रकार के दंड जो है वो भारतीय दंड संहिता में वर्णित है। अब कुल मिलाकर के 5 प्रकार के ऐसे दंड हैं जो दिए जा सकते हैं। इसमें कुछ लीडिंग केस हैं, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। एक लीडिंग केस है इसमें किशोरी बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली का। इस मामले में ये कहा गया है स्पष्ट तौर से कि जो मृत्युदंड है वो विरले में भी, अधिकतम विरले मामले में यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही दिया जाना चाहिए या दिया जा सकता है। तो भारतीय जो दंड संहिता है उसमें मृत्युदंड का उल्लेख किया जरूर गया है, परंतु यह सभी उच्च न्यायालयों ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर अपने अनेक मामलों में इस बात को कहा है कि मृत्युदंड को बहुत एक ऐसी परिस्थिति में, जिसको कहें कि बड़ी दुर्लभ परिस्थिति में ही मृत्युदंड को दिया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं, क्योंकि मानवाधिकार से जुड़े हुए और उदारवादी विचारों के लोग मृत्युदंड का हमेशा से विरोध करते रहे हैं और इस दंड को समाप्त करने की समय समय पर मांग भी उठती रही है। इस बारे में मेरा एक लेख भी है मृत्युदंड के बारे में, जहाँ पर मैंने इस चीज़ के कंट्राडिक्शन को डिस्कस किया है कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। मेंस का ये क्वेश्चन भी है। तो किशोरी बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली इसमें लीडिंग केस है जिसमें कहा गया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में ही दिया जाना चाहिए, दिया जाएगा। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य इसमें है, जिसको हम लोग एक बड़ी प्रतिरक्षा माना जाता है कि मृत्युदंड के कार्यान्वयन में देरी। तो इस मामले में जो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय है उसने एक स्पष्ट तरीके से एक बात उसने कही कि देरी, मृत्युदंड के कार्यान्वयन में देरी एक महत्वपूर्ण आधार जरूर है, परंतु ऐसा कोई नियम निर्धारित करना कि 2 वर्ष से अधिक का विलंब होने पर सदैव मृत्युदंड आजीवन कारावास में ही बदल दिया जाएगा, यह उचित नहीं होगा। तो वहां पर स्पष्ट तौर से इस बात को कहा गया कि यदि मृत्युदंड किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है उसके कार्यान्वयन में विलंब हो जाता है तो यह एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा का आधार है कि उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, परंतु ऐसा कोई नियम नहीं है कि यदि 2 वर्ष से अधिक का विलंब हो गया है तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल ही दिया जाएगा। शेर सिंह वर्सेज पंजाब राज्य, इंपॉर्टेंट एक केस था। अब बात कर लेते हैं उन दो सेक्शंस के बारे में जिनमें उल्लेख किया गया है कि मृत्युदंड का और आजीवन कारावास को कब कम किया जा सकता है। तो जब मृत्युदंड के आदेश को जो समुचित सरकार है वह क्या कर सकती है, अपराधी की सम्मति के बिना भी दंड को लघुकृत कर सकती है। अर्थात यदि समुचित सरकार चाहे तो अपराधी की सम्मति हो या ना हो मृत्युदंड को क्या कर सकती है, लघुकृत कर सकती है, उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकती है। दूसरे, आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, इसमें भी क्या है कि समुचित सरकार जो है उस दंड अवधि के लिए, लेकिन यहाँ पर एक परंतु है कि 14 वर्ष से अधिक नहीं। तो मृत्युदंड के, सॉरी, आजीवन कारावास के जो दंडादेश का लघुकरण कर सकती है, परंतु वह अवधि किसी भी प्रकार से 14 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, उसमें उसको कन्वर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हमने आज बात किया है 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, सेक्शन 53, सेक्शन 54 और सेक्शन 55। सेक्शन 53 में दंडों के बारे में उल्लेख किया गया है। 5 प्रकार के दंड हैं, मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है,
और कारावास है, दो प्रकार का हो सकता है, कठिन और सादा। पांचवा संपत्ति का समापहरण है, और छठा है, सॉरी चौथा है संपत्ति का समापहरण, और पांचवा है जुर्माना। किशोरी बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली में कहा गया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाएगा। शेर सिंह वर्सेज पंजाब राज्य में कहा गया है कि कार्यान्वयन में विलंब एक महत्वपूर्ण आधार है, परंतु कोई नियम नहीं है कि 2 वर्ष से अधिक का विलंब पर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल ही दिया जाएगा। सेक्शन 54 में बताया गया है मृत्युदंड के आदेश का लघुकरण, समुचित सरकार चाहे तो मृत्युदंड के आदेश का लघुकरण कर सकती है अपराधी की सम्मति के बिना भी। सेक्शन 55 में बताया गया है आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण समुचित सरकार कर सकती है उस अवधि तक के लिए जो 14 वर्ष से अधिक की ना हो। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहो तो कमेंट करो, हम लिंक आपको भेजेंगे। थैंक यू सो मच।